तो गाय देखने के लिए तैयार हो क्या? ये देख सकते हो गाय, गाइस देयर वाओ गाइस, आज हम बनाने वाले एक स्पार्कल गन। अब बोलोगे यार ये स्पार्कल गन होता क्या है? तो गाइस आप सभी ना किसी शादी या किसी फंक्शन में इसका इस्तेमाल करते हुए देखा ही होगा। जो गन गाइस जिसको फायर करते हैं उनमें से काफी सारे चिंगारी की तरह हवा में निकलता है। तो गाइस उसी गन को बोला जाता है स्पार्कल गन, या सिंपल भाषा में इसे हम फायर गन भी बोल सकते हैं। तो गाइस इसी गन को आज हम बनाने वाले अपने घर पर, वो भी गाइस काफी सिंपल तरीका से। और गाइस सबसे अच्छी बात तो ये है, इसे हम बनाएंगे अपने घरों के सामान से, यानी कि पुराने सामानों से हम बनाएंगे एक स्पार्कल गन। तो गाइस ये देख सकते हो, ये है यानी कि इसे भी शादी या किसी फंक्शन में उपयोग किया जाता है, लेकिन गाइस ये अभी शादी में उपयोग करना मना है। तो गाइस इसी के जगह पर आज हम बनाएंगे स्पार्कल गन, और इसी की मदद से हम बनाने वाले गाइस स्पार्कल गन, वो भी काफी आसान तरीका से। और आप सभी को इसे बनाने का सही तरीका बताते हैं। तो फाइनली गाइस हमें एक स्पार्कल गन बनाने के लिए सबसे पहले एक डब्बा की जरूरत पड़ेगी, यानी कोई भी कंटेनर ले सकते हो। तो हमने ये ले लिया एक कंटेनर। अब इसको पहले करना क्या है, खोल देना है, और ये कंटेनर जो है खाली होना चाहिए। तो गाइज हमारा कंटेनर खाली है। तो गाइज अब हम क्या करेंगे, एक लेंगे हम पीवीसी पाइप, जो कि गाइज ये रहा पीवीसी पाइप। आप इतना छोटा ले सकते हो, इसे बड़ा नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो गाइज हमारे पास है एक पीवीसी पाइप। हम करेंगे क्या, पहले इसको इसके ऊपर लगाएंगे। इसको ऊपर लगाने के लिए हमें एक यहाँ पर होल करना पड़ेगा। तो गाइज फटाफट से हम इसके अंदर एक होल कर देता हूँ, ठीक है। तो गाइज ये देख सकते हो, हमने इस कंटेनर के अंदर होल कर दिया, यानी कि ये देख सकते हो सेट कर दिया। अब करना है क्या है, हमें इस पीवीसी पाइप को इसके अंदर डाल देना है, और इसको थोड़ा फिक्स कर देते हैं किसी भी चीज की मदद से। तो हो गया सिलोटा। तो गाइज ये देख सकते हो, पीवीसी पाइप को हमने कंटेनर के आगे, डिब्बे के आगे लगा दिया। अब ये पूरा तरह से अभी फिक्स नहीं हुआ है, तो इसको हम करेंगे क्या, ये एम सील जो गाइज है, एम सील की मदद से इसको अच्छा तरीका से पूरा जाम कर देंगे, ताकि कितना भी प्रेशर इसमें लगे, कितना भी तगड़ा से ये निकल ना पाए। तो इसको हम करेंगे पहले एम सील की मदद से पूरा तरीका से सील कर देते। तो गाइज ये रहा एम सील, और इसके अंदर दो पैकेट होता है, इन दोनों को पहले मिलाना पड़ता है, ठीक है। इन दोनों को पहले खोल लेता हूँ। हमें इन दोनों को पहले मिलाना पड़ेगा, उसके बाद ही जाकर सही तरीका से वर्क करेगा, यानी कि काम करेगा। तो इसको अच्छी तरीका से पहले मिला देते इस तरह से। तो गाइज हमारा एम सील बनकर तैयार है चिपकाने के लिए। तो इसको जो हॉल बचा हुआ है इसके अंदर इसको जाम कर देता हूँ, ठीक है। तो ये अच्छी तरीका से फिक्स हो जाएगा। गाइज ये गन जो बनाना है बहुत ही सिंपल तरीका से और बहुत आसान है, और ये गाइज आप बनाकर आप किसी भी आदमी को यार बता सकते हो इस तरह से बनाने के बाद। तो ये बहुत आसान है, और ये बहुत लाजवाब गन भी बनने वाला है। तो आप लोग वीडियो में बने रहेगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो गाइज ये देख सकते हो, हमने इस कंटेनर के ऊपर इन पीवीसी पाइप को अच्छा तरीका से फिक्स कर दिया हूँ, और ये पूरी तरीका से जाम हो गया, ये अब हिल भी नहीं रहा, इतना फिक्स हो गया, ठीक है। तो अब अगला वाक क्या करना, अगला काम, हमने एक लकड़ी को टुकड़ा को इस तरह सेम में काट कर इसे हेल्डिंग के आकार में बदल दिया, उसके ऊपर टैप लगाकर इसको थोड़ा अच्छा सा लुक बना दिया हूँ। ये देख सकते हो गाइस, आपको इसी तरह एक लकड़ी का टुकड़ा लेना है, उसको एक हेल्डिंग के आकार में काट कर इस कंटेनर के नीचे लगा देना इस तरह से। ये देख सकते हो, जिस तरह से हम लगा रहे हैं उस तरह से आप भी लगा सकते हो, और आप बना सकते हो एक तगड़ा फायर गन, जो कि गाइस बहुत मजेदार होने वाला है। तो आप सब वीडियो में बने रहिएगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हम फिक्स कर देंगे, इसको भी गाइस हम करेंगे फिक्स एम सील के मदद से। तो जो हमने पहले एम सील बनाया था वो बचा हुआ है, अब इसको इसी के नीचे लगाकर इसको फिक्स कर देता हूँ, ठीक है।
तो गाइज हमने इस कंटेनर को एक हेल्डिंग को नीचे लगाकर एमसील की मदद से चिपका दिया हूँ, और ये अभी पूरी तरह से फिक्स नहीं हुआ। इसको करेंगे क्या, थोड़ी सी और फेमी क्विक की मदद से इसको अच्छा तरीका से फिक्स कर देंगे। तो फाइनली गाइज ये हमारा गन का फर्मा तैयार हो चुका है। गन का अभी तो इसका डिजाइन बना है, लेकिन गाइज अभी सब प्रक्रिया बाकी, अभी तो इसका सिर्फ फर्मा तैयार हुआ है, इससे तो अभी कुछ भी नहीं होने वाला है क्या। तो गाइज अब आगे करना क्या है, तो चलो बताता हूँ अब इसके अंदर करना क्या है। बहुत ही गाइज अमेजिंग सी चीज है ये। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको लेना है इतना माचिस, इससे ज्यादा भी ले सकते हो। अब इस माचिस को करना क्या है, आपको इन सभी को बाहर निकालना है, ठीक है। इस तरह से माचिस को बाहर निकाल करके आपको एक पेपर लेना है, और इस पेपर के ऊपर आपको हर एक माचिस का बारूद को छुड़ा कर इसके ऊपर रख देना इस तरह से। तो गाइज हम फटाफट से इसको छुड़ाते हैं। अब गाइज दूसरा चीज लेना है आपको, थोड़ी सी शक्कर, ये है चीनी, ये देख सकते हो गाइज, आपको चीनी लेना है। और इसको करना है क्या, इसको भी पाउडर बना देना इसको, ठीक है, रगड़ कर इसको पीस कर पाउडर बनाना है, तो इसको हम भी पाउडर बना लेता हूँ, ठीक है। तो फाइनली गाइज हमने माचिस से ये निकाल लिया, उसकी लकड़ी के ऊपर से बारूद हमने माचिस से निकाला, ये है गाइज शक्कर जिसको हमने पीस कर पतला कर दिया। अब इस दोनों को करना क्या है, इन दोनों को मिला देना है, ठीक है। गाइज ये देख सकते हो शक्कर और माचिस की बारूद मिलकर तैयार है। अब गाइज आगे क्या करना है ये देखो, आपको लेना है फिर से ये गन, और इसके जो हमने पहले चिपकाया था पीवीसी पाइप को उसको खोल देना है, ठीक है, इस तरह से हमने खोल दिया। अब आपको इसके अंदर करना क्या है, आपको लेना है ये टीसी पेपर, आप पेपर भी ले सकते हो, नहीं तो कोई भी साधारण कागज से भी काम चला सकते हो। तो हमारे पास था ये टीसी पेपर, तो हमने ये ले लिया, आपको भी ले लेना है, पेपर भी ले सकते हो, नहीं तो गाइज कोई भी कागज आप ले सकते हो, किसी भी कागज आपको लेना है, इस तरह से इसको इसे पतला कर देना है और इसके अंदर डाल देना है, ठीक है, और किसी भी चीज की मदद से इसको अंदर डालते जाना। गाइज इसको इसमें डालना जरूरी क्यों है, क्योंकि हमारे पास उतना बारूद नहीं है, इसका कंटेनर देख सकते हो काफी लंबा है। तो गाइज हम यहाँ तक करेंगे क्या, इस टिश्यू पेपर को यहाँ तक डाल देंगे, और इसके अंदर इतना दूर हम डालेंगे ये बारूद को, तो हम पहले इसको इसके अंदर डाल देता हूँ, ठीक है, एक एक करके डालना है, ठीक है, इसके अंदर। अब ये करने के बाद हमें करना है एक इसके ऊपर होल, किसी भी चीज के मदद से आपको इसके ऊपर कर देना है एक होल। तो गाइज हम यहाँ पर कर देता हूँ एक छोटी सी होल इस तरह से। तो गाइज हमने ये देख सकते हो एक होल इस कंटेनर के ऊपर कर दिया हूँ। अब गाइज आपको करना क्या है, इसके अंदर डालना है यहाँ पर जो बारूद हमने पहले बनाकर तैयार किया हो, उसी को हमें इसके अंदर डाल देना है। गाइज हम इसको फटाफट से इसके अंदर डाल देता हूँ, ठीक है, ये देख सकते हो। गाइज ये हो गया, ज्यादा मात्रा में नहीं डालना, क्योंकि ज्यादा मात्रा में डालने के बाद ये ब्लास्ट भी कर सकता है, तो हमने थोड़ा सा इसमें डाल दिया, जितना इसमें जरूरत था उतना डाल दिया। अब करना क्या है, जो हमने पहले पीवीसी पाइप को बाहर निकाला था, इसको फिर से इसके अंदर लगा देता हूँ, ठीक है। इस तरह से इसको लगा देना है, और इस एमसील को फिर से अच्छा तरीका से इसको जाम कर देना है। तो गाइज ये देख सकते हो हमारा जो गन था बनकर तैयार है।
लेकिन गाइज अब बोलोगे यार ये जलेगा कैसे, इस पे आग कैसे लगाएंगे और जलेगा कैसे? तो गाइज हमें इसके अंदर आग नहीं लगाना है, हमें करना क्या पता है, हमें लेना है एक स्विच। ये देख सकते हो यह है एक स्विच। अब बोलोगे यार ये स्विच मिलेगा कहाँ? तो गाइज आप सभी को टेंशन लेने का जरूरत नहीं, आपको एक किसी भी शॉप पर जाना है और आपको एक ले लेना है लाइटर, जिससे हम आग जलाते हैं उसी लाइटर को ले लेना है, उसी के अंदर ये स्विच होता है। जिस तरह हम उस लाइटर को दबाते हैं और उनसे आग निकलता है, वही वाला स्विच हमें निकाल लेना है। और इस तरह निकाल करके ये जो रेड वायर देख रहे हो, इस रेड वायर को हमें लेना है फिर से दो वायर। अब इस रेड वायर को हमें इन वायर से जोड़ देना है। सबसे पहले हम इसको टैपिंग कर लेते ताकि इसको अच्छा तरीका से टैप करना पड़ेगा, इनमें कहीं भी शॉर्ट ना लगे, ठीक है। अब गाइज बचा है ये दूसरा वायर, अब इसे कहाँ लगाना है? तो ये देख सकते हो मेटल वाली बाहर से इसको इस मेटल वाली पर लगा देना, ठीक है। जो मेटल वाला बाहर निकला हुआ है इसी पर इसको लगा करके और इसको भी टाइप की मदद से बहुत अच्छा तरीका से फिक्स कर देना, इसमें भी शॉर्ट नहीं लगना चाहिए थोड़ा भी, नहीं तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है। गाइज ये देख सकते हो हमने इस स्विच को टैपिंग करके और दो वायर निकाल कर रेडी कर लिया, ठीक है। अब करेंगे क्या, हमें इस होल्डिंग के ऊपर एक होल करना है जो कि हमने पहले से कर लिया हूं। अब इसके अंदर इसको घुसा देना है, ठीक है, अच्छी तरीका से इस तरह से। अब इसको बाहर भी निकलते ही रहना चाहिए, ठीक है, अंदर पूरा नहीं देना, इतना पर छोड़ देना। अब इसको करेंगे क्या, इसके अंदर डालना है, तो पहले इसको बराबर में काट देता हूं। तो गाइस आपको इन दोनों वायर को, निकलने वाली वायर को इस तरह से पकड़ कर जोड़ना है, लेकिन गाइस इन दोनों को आपस में जोड़ना नहीं है, इन दोनों को थोड़ा सा दूरी पर रख कर इसको किसी भी चीज के मदद से, ग्लू या टैप की मदद से आपस में चिपका देना। हमने इतना दूरी पर इन दोनों को रख दिया। अब होगा क्या, हम यहाँ पर इन स्विच को दबाएंगे तो आप देखना यहाँ पर थोड़ा सा स्पार्क निकलेगा, ठीक है, देख सकते हो गाइस। शायद आप सभी को कैमरा में दिख नहीं रहा होगा लेकिन इसमें से ये देख सकते हो, तो गाइज शायद आप सभी को कैमरा में दिख नहीं रहा होगा लेकिन इनमें से स्पार्क निकलता है। तो अब इनको करना क्या, इसके अंदर जो ने हम पहले से होल कर रखा हूँ इसके अंदर डाल देना, इसको फेविकोल या किसी भी चीज की मदद से चिपका देना है, जिस तरह हम यहाँ पर चिपका देता हूँ। तो फाइनली गाइज काफी मेहनत के बाद हमारा जो गन है ये बनकर तैयार है, ये देख सकते हो, जो कि गाइज अमेजिंग है क्या। अब बोलोगे ये काम कैसे करेगा, तो गाइज ये देख सकते हो एक ब्लैक स्विच, जिस तरह हम इस स्विच को यहाँ पर दबाएंगे और इनसे निकलने वाली वायर में यहाँ पर स्पार्क होगा और ये स्पार्क इन कंटेनर में भरी हुई बारूद में आग लगाएगा और वो बारूद गाइज इनसे होते हुए बाहर निकलेगा चिंगारी की तरह और ये काम करेगा हमारा स्पार्कल गन के रूप में, जो कि गाइज बहुत देखने में अमेजिंग होता होगा। तो चलो गाइज दिखाता हूँ किस तरह काम करेगा। तो फाइनली गाइज काफी मेहनत के बाद हमने बनाकर तैयार किया हूँ यह स्पार्कल गन यानी कि फायर गन। अब गाइज इसको टेस्ट करने के बारे क्या ये सही में चलेगा या नहीं, चलो गाइज फटाफट से इन स्पार्कल गन यानी फायर गन को टेस्ट करता हूँ। तो गाइज देखने के लिए तैयार हो क्या, 1 2 3। ये देख सकते हो गाइस गाइस मेरा वाओ गाइज ये देख सकते हो अमेजिंग यार क्या काम कर रहा है मेरा ये गन, ये देख सकते हो यार इसमें आग लग गया भाई, बुझ जाए यार।
गाइस ये है स्पार्कल गन जो कि हमने बनाया अपने घरों पर। वो भी गाइस छोटी छोटी सी घरों के सामान थे, थाली डब्बा और कुछ अपने घरों के सामान के मदद से हमने बना दिया एक स्पार्कल गन।